2021 का मार्च का मॉडल है, वर्षन 3 मॉडल है ये, वर्षन 3 है और ये 20,000 किलोमीटर चला हुआ है। ये है 2020 का, 2020 का एवरेज 220 स्ट्रीट है। कितना किलोमीटर चला है? 19,000 किलोमीटर चला हुआ है, 23,000 किलोमीटर चला हुआ है, 23,000 किलोमीटर चला हुआ है। इसका आस्किंग प्राइस है 65,000। ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी था, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है। अच्छा, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, इसका आस्किंग प्राइस है 95,000 किलोमीटर चला है। ये फर्स्ट ओनर है, ये चला हुआ है 18,000 किलोमीटर, 18,000 किलोमीटर चला हुआ फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और प्राइस क्या रखा है इसका? इसका प्राइस रखा है, चला हुआ है 29,000 दिसंबर 2016 का गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और ये एकदम कम चला हुआ है, 6,000 चला हुआ है केवल, 6,000 किलोमीटर चला हुआ, 125 आपका फेब्रुअरी 2023 का। ये है 7,000 किलोमीटर चला हुआ, ये है R15 वर्षन 3 है, ये 2022 का गाड़ी है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग हैं बिरपारा की आसपास के एरिया से और आपको तलाश है सेकंड हैंड बाइक या फिर स्कूटीज की, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आज हम लोग आए हैं यंगजन मोटर्स पे जो है बिरपारा में। यहाँ पे आपको डेली राइड के लिए कंप्यूटर के साथ साथ यहाँ पे हाई सीसी बीज भी आपको मिलेगा, जैसे 350 क्लासिक हो गया, NS या फिर लेजेंडरी 220 F का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारे डिटेल्स आज हम लोग जानने वाले हैं इस शोरूम का जो ओनर है उनसे। बाकी उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। और अगर आपको इस शोरूम पे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी इंक्वायरी करना हो तो नीचे आए नंबर से आप इन लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, शोरूम का एड्रेस, लोकेशन, फोन नंबर, वहां भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो फटाफट से चलते हैं अंदर। चलिए भैया आ जाओ भाई, यहाँ पे आपको लेजेंडरी 220 F 350 क्लासिक या फिर प्लाटिना भी अवेलेबल है। और ये है इस शोरूम का जो ओनर, वो नमस्ते सर जी, कैसे हैं? बढ़िया। अच्छा, तो सबसे पहले जो आपका शोरूम का लोकेशन है, ये बीरपाड़ा में कहाँ पड़ता है? ये बीरपाड़ा में नियर पेनवुड स्कूल, पेनवुड एकेडमी जो है नियर वही बगल में ही है ये। हाँ, एकदम पेनवुड स्कूल के बगल में है। आप बाजार से आते हो तो उधर से लाल पुल पार होके आना पड़ेगा, लाल पुल पार होते ही ये पेनवुड स्कूल आता है, पेनवुड स्कूल का लेफ्ट साइड में ये शोरूम है यंगजन मोटर्स। यंगजन मोटर्स नाम है और पेनवुड एकेडमी जो है बिरपारा उसी के बगल में। और रीफाइनेंस अवेलेबल है आपके यहाँ? हाँ, रीफाइनेंस भी अवेलेबल है। रीफाइनेंस अवेलेबल है, और कौन कौन सी एरिया के अंदर आप लोग करते हैं, मतलब ये कौन कौन से है? ये रीफाइनेंस हमारा IDFC बैंक से होता है। और अभी तो ये 3 मंथ जैसा हुआ है ये दुकान खुला हुआ है, ये शॉप खुला हुआ, तो अभी हम लोग नियर का ही कर रहे हैं अपने ये अलीपुर डिस्ट्रिक्ट का ही। अच्छा, कर रहा है। अभी सिर्फ अलीपुर डिस्ट्रिक्ट में ही कर रहे हैं, लेकिन आगे भी जाएंगे आप, कुचबिहार, जलपाईगुड़ी, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में भी आप जाएंगे? ये नियर जितना हमारा माथाभांगा, कुचबिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिंपोंग, ये सब में भी, ये सब में भी होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये तो क्या रिफाइनेंस के बारे में, अभी बात करते हैं कि ओनरशिप का जो चेंजेस होता है, जो नेम ट्रांसफर होता है, वो क्या आप करवा के देंगे या फिर कस्टमर को करना पड़ेगा? कस्टम मतलब जो हमारा बाइक का प्राइस है, उसके अलावा नाम ट्रांसफर का पैसा लगता है। अच्छा। जैसे कि अलीपुर डिस्ट्रिक्ट का है, तो अलीपुर डिस्ट्रिक्ट का हम 3,000 रुपए लेते हैं। अच्छा। क्योंकि उसमें ओनर और खरीदने वाला दोनों जाना पड़ता है। अच्छा, ओनर नाम ट्रांसफर के लिए जो बाइक का ओनर है और बायर है, दोनों को अलीपुर द्वार जाना पड़ता है, और जो अमाउंट लगता है वो बायर को देना पड़ेगा आपको, ये लोग बायर को देना पड़ेगा। हाँ, बायर को देना पड़ेगा, ये लोग नाम ट्रांसफर मतलब नाम ट्रांसफर करके नहीं देंगे। हाँ, आपको ले जाएंगे वहाँ पे अलीपुर द्वारा। ऐसा है कि हमारा जितने भी RTO में जो भी हमारा नंबर आता है 7270, जैसे 70 अलीपुर का नंबर है, 72 जलपाईगुड़ी का नंबर है, 64 कुचबिहार का नंबर है, 68 माथाभांगा का नंबर है, 74 सिलीगुड़ी का नंबर है, 79 कालिंपोंग का नंबर है, ये सब में हमारा जितने भी RTO में हमारा काम करने वाला आदमी है, पर जो भी उधर चार्जेस लगेगा नाम ट्रांसफर का वो बायर देना पड़ेगा। अच्छा, वो चार्जेस जो है वो बायर को देना पड़ेगा, ये लोग सिर्फ बायर और जो सेलर है दोनों लोग जाना पड़ेगा दोनों को। और ये लोग जो काम करने वाला भाई है उसका नंबर देके उसके साथ बात करा के अनिया से भेज देते हैं। अच्छा, भेज देंगे और वहाँ पे नाम ट्रांसफर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए बाहर आ जाइए। तो आ चुके हम पहली बाइक की तरफ, तो भैया इसके बारे में बता दीजिए क्या डिटेल है इसका। ये है यामा का बाइक है FZS, ये मार्च 2021 का है, 2021 का मार्च का मॉडल है, वर्षन 3 मॉडल है ये, वर्षन 3 है और ये 20,000 किलोमीटर चला हुआ है, 20,000 किलोमीटर चला है इसका। और फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर है ये? फर्स्ट ओनर है, फास्ट ओनर गाड़ी है, 20,000 के करीब किलोमीटर चला इसका। और भाई टायर कंडीशन दिखाओ नजदीक से, और बॉडी भी दिखाओ थोड़ा सा भाई, क्योंकि दिखाना जरूरी होता है कि गाड़ी कैसा है, ओवरऑल बॉडी भी दिखाओ साइड से। और क्या आस्किंग क्या रखा है इसका? इसका आस्किंग प्राइस है 85,000, 85,000 आस्किंग प्राइस है इसका FZS का वर्षन 3 कौन सा मॉडल है? 2021 का मॉडल है। और ये प्राइस नेगोशिएबल है? थोड़ा नेगोशिएबल है, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल होगा लगभग। उसके बाद चलता है रॉयल एनफील्ड की 350 क्लासिक की तरफ, तो भैया इधर आ जाओ 350 क्लासिक, उसके बाद क्या डिटेल्स है उसका? इसका ये है मई 2018 का, ये भी फर्स्ट ओनर है, एक आर्मी भाई का है ये। अच्छा, इसका हमने आस्किंग प्राइस 1,25,000 रखा है। 1,25,000 में 2018 का रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक, कितना किलोमीटर चला है इसका? ये है 38,000 किलोमीटर चला हुआ है, 38,000 किलोमीटर चला हुआ 350 क्लासिक। ये भी नजदीक से दिखाओ भाई, टायर कंडीशन बॉडी वगैरह सब कुछ दिखाओ, सब कुछ दिखाना जरूरी होता है लोगों को, ताकि लगे कोई फ्रॉड ना हो उनको, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बजाज की क्रूजर की तरफ, जो है एवेंजर 220 स्ट्रीट। चलो भैया आ जाइए इस तरफ, अब आ जाइए, इसका क्या डिटेल्स है? ये एवेंजर 220 स्ट्रीट है, ये है 2020 का, 2020 का है, 220 स्ट्रीट है, कितना किलोमीटर चला है? 19,000 किलोमीटर चला हुआ है, 19,000 किलोमीटर चला हुआ है। फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर गाड़ी? ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और प्राइस क्या रखा है इसका? इसका प्राइस रखा है 78,000, 78,000 में 220 स्ट्रीट बजाज एवेंजर, और ये प्राइस नेगोशिएबल है, थोड़ा नेगोशिएबल। और जो लोग हमारे चैनल की तरफ से आएंगे उनके लिए क्या डिस्काउंट? उनके लिए कुछ मान सम्मान रखेंगे। अच्छा, उनके लिए थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर देंगे भैया। तो चलते हैं अंदर, यहाँ पे है टीवीएस की अपाचे आरटीआर 160, तो इधर आ जाओ भाई, नजदीक आ जाओ, नजदीक से दिखाओ 160। ये है, क्या है? ये है हमारा बीरपड़ा का एक आर्मी भाई का है। अच्छा। ये कम चला हुआ गाड़ी है, ये आरटीआर 160 है, 2017 लास्ट का। नजदीक से दिखाओ भाई, ये टायर कंडीशन दिखाओ, ये 23,000 किलोमीटर चला हुआ है, 23,000 किलोमीटर चला हुआ है। इसका आस्किंग प्राइस है 65,000, 65,000 आस्किंग प्राइस है। मॉडल कौन सा बता यार? 2017 लास्ट, 2017 का लास्ट का मॉडल है, और ये प्राइस भी नेगोशिएबल है। आगे बढ़ते हैं एक और टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 की तरफ, तो भैया इसके बारे में बता। ये है टीवीएस आरटीआर 160 2021 का, 2021 का मॉडल, ये भी 160, 2021 का है। अच्छा। ये 19,000 चला हुआ है, 19,000 किलोमीटर चला हुआ है, इसका फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। अच्छा, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी था, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है। अच्छा, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, इसका आस्किंग प्राइस है 95,000, 95,000 है। यहाँ पे टायर कंडीशन दिखाओ, टायर भी लगभग ब्रांड न्यू कंडीशन में ही है, ज्यादा चली नहीं है, और बॉडी भी लगभग स्क्रैचलेस कंडीशन में ही है। उसके बाद चलते हैं बजाज की पल्सर NS 160 की तरफ, 160, तो भैया इसके बारे में बता दो। ये पल्सर 160 है, ये NS 160 है, ये 2017 अक्टूबर का है, 2017 अक्टूबर का मॉडल है। हाँ। इसका दोनों टायर न्यू कंडीशन में ही है, और गाड़ी स्क्रैचलेस है, स्क्रैचलेस गाड़ी भी दिख रहा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं स्क्रैचलेस गाड़ी। और ये किलोमीटर कितना चला है? ये फर्स्ट ओनर का है, ये किलोमीटर चला हुआ है इसका 28,000, 28,000 किलोमीटर चला हुआ है, फर्स्ट ओनर गाड़ी। और प्राइस क्या रखा है इसका? 74,000, 74,000 NS 160। उसके बाद हीरो की ग्लैमर, ग्लैमर ये BS6 ग्लैमर है। अच्छा। ये है 2021 का, 2021 का BS6 मॉडल ग्लैमर है, और टायर कंडीशन बॉडी बिल्कुल स्क्रैचलेस है, टायर कंडीशन भी सही है। कितना किलोमीटर चला है ये? फर्स्ट ओनर है, ये चला हुआ है 18,000 किलोमीटर, 18,000 किलोमीटर चला हुआ, फर्स्ट ओनर गाड़ी। और प्राइस क्या रखा है इसका? इसका प्राइस रखा है 65,000, 65,000 में 2021 का ग्लैमर BS6 मॉडल। उसके बाद इधर आ जाओ टीवीएस अपाचे आरटी, टीवीएस अपाचे आरटी 164B, इसके बारे में बता दो भैया। ये है 4B है, 160 का आरटीआर 164B, ये 2019 का है, सॉरी 19 का, ये 2019 का मॉडल है। ये चला हुआ है 20,000 किलोमीटर चला हुआ है, फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर है, और ये ग्लैमर भी फर्स्ट ओनर, ये भी फर्स्ट ओनर है, ये सभी फर्स्ट ओनर गाड़ी है। अच्छा, ये जितने भी है पूरे के पूरे फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये। भाई टायर कंडीशन दिखाओ नजदीक से, टायर बिल्कुल ब्रांड न्यू है अभी भी, और बॉडी भी लगभग स्क्रैचलेस ही है। और कितना प्राइस रखा है इसका? प्राइस रखा है 78,000, 78,000 में 2019 का
अपाचे आरटीआर 164B हाँ जी। और ये प्राइस थोड़ा बहुत नेगोशिएबल यहाँ पे हो जाएगा, तो चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर की जो बाइक है। और उसके पहले आप लोगों को बता दे कि यहाँ पे रीफाइनेंस अवेलेबल है यहाँ पे IDFC बैंक की तरफ से। और जो अलीपुर, अभी सिर्फ ये लोग अलीपुर द्वार के आसपास के एरिया से ही ये लोग रिफाइनेंस करते हैं, लेकिन आगे भी जाएंगे। उसके पहले, उसके बाद चलते हैं लेजेंडरी 220F की तरफ। तो उसका क्या डिटेल्स है? ये पल्सर 220 दिसंबर 2016 का है, दिसंबर 2016 का। नजदीक से दिखाओ। ये भी फर्स्ट ओनर है। अच्छा, ये गाड़ी चला हुआ है 29,000 दिसंबर 2016 का गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और टायर भी लगभग न्यू ही रहा है। और प्राइस कितना रखा है आपने? इसका प्राइस रखा है 59,000 लेजेंडरी 220F आपका। और अगर अलीपुर द्वार का कोई, आप मान लीजिए फलागाटा, बीरपारा है, हसीमारा, कालचीनी, कहीं से भी हो, कोई अगर ये 220F लेना चाहे, 59,000 अपने प्राइस रखा है, तो डाउन पेमेंट कितना देना होगा अगर रिफाइनेंस करना चाहे तो? 40% आप लोगों को डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, और बाकी आप लोग रिफाइनेंस करके बाइक ले जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं होंडा की SP125 की तरफ। तो इसका क्या डिटेल से भैया? ये होंडा SP125 2021 का है, ये 2021 भी मीटर का है। अच्छा, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है। हाँ, ये एकदम कम चला हुआ है, 6,000 चला हुआ है केवल, 6,000 किलोमीटर चला हुआ। 125 आपका, और कितना प्राइस रखा है? 70,000 सिर्फ 70,000 में SP125 आपका। और नजदीक से दिखाओ टायर कंडीशन, हर एक बाइक्स का टायर बॉडी हम लोग नजदीक से दिखाने वाले हैं, ताकि आप लोगों को ना लगे हाँ भाई कि वीडियो में कुछ और दिखाया और नजदीक से कुछ और निकला, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में जो है, और सामने बिल्कुल एक्यूरेटी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी आती है जिन लोगों को स्कूटी चाहिए होता है उनके तरफ। तो भैया ये है होंडा की एविएटर, इसका क्या डिटेल्स है? ये है होंडा का एविएटर, ये 2018 मॉडल का है। 2018 मॉडल का है। कितना किलोमीटर चला? ये 27,000 किलोमीटर चला हुआ है। 27,000 किलोमीटर चला हुआ है। और फर्स्ट ओनर ये है? हाँ, ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है। प्राइस क्या रखा है इसका? इसका प्राइस रखा है 46,000 होंडा एविएटर आपका। उसके बाद आता है TVS Ntorq 125 की तरफ। तो इसका क्या डिटेल्स है? ये TVS Ntorq 125 ये स्कॉट एडिशन का है। अच्छा, ये सुपर सोल्डर एडिशन का है। सुपर सोल्डर एडिशन भाई, ग्राफिक्स स्टिक से दिखाओ, टायर कंडीशन दिखाओ। ये है फरवरी 2023 का, केवल 13-14 महीना चला हुआ है। हाँ, एक साल हुआ है बस। कितना किलोमीटर चला है? ये है 7,000 किलोमीटर चला हुआ है। एक साल में सिर्फ 7,000 किलोमीटर चला है। टायर कंडीशन, गाड़ी भी बिल्कुल स्क्रैचलेस है। और फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये भी? फर्स्ट ओनर गाड़ी, ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है। प्राइस क्या रखा है इसका? 83,000 एक साल पुरानी TVS Ntorq आपका। और 83,000 में अगर कोई फाइनेंस करवाना चाहे तो सिर्फ 40% अगर कोई भी बाइक या फिर स्कूटी हो, आप फाइनेंस करवाना चाहो, प्राइस चाहे जितना भी हो, 40% डाउन आप देके आप गाड़ी ले जा सकते हैं। उसके बाद आता है जिन लोगों को R15 वर्शन 3 चाहिए होता है। मेरे पास इंक्वायरी भी आई थी भाई कि R15 वर्शन 3 चाहिए, तो उनके लिए यहाँ पे R15 वर्शन 3 की ऑप्शन अवेलेबल है। भैया इसका क्या डिटेल्स है? ये है R15 वर्शन 3 है। हुँ? ये 2022 का गाड़ी है। 2022 का वर्षन 3 है। ये सेकंड ओनर गाड़ी है। अच्छा, ये सेकंड ओनर है। अभी तक जितना भी दिखाया वो सारे के सारे फर्स्ट ओनर थे, लेकिन ये सेकंड ओनर गाड़ी है। और कितना किलोमीटर चलाई है? ये चला हुआ है 20,000 किलोमीटर। 20,000 किलोमीटर चला हुआ है, सेकंड ओनर गाड़ी है। और कितना प्राइस रखा है आपने? इसका प्राइस रखा है 145। 1,45,000 वर्षन 3 आपका। और 40% डाउन अगर आप रिफाइनेंस करना चाहे तो। उसके बाद आते हैं हीरो की सुपर स्प्लेंडर की तरफ। भाई इस तरफ आ जाओ, इधर दिखाओ, नजदीक से दिखाओ हीरो की सुपर स्प्लेंडर की तरफ। तो भाई इसका डिटेल्स बता दीजिए आप। ये है हीरो का सुपर स्प्लेंडर, ये 2017 लास्ट का है। अच्छा, इसका प्राइस है 60,000 2017 का लास्ट मॉडल है। फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर गाड़ी? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है। टायर कंडीशन देखिए, दोनों टायर न्यू, एकदम ब्रांड न्यू है, दिख रहा है भाई। पीछे से दिखाओ, पीछे वाला टायर भी दिखा दो। दोनों टायर न्यू है। 2017 का ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है। 60,000 प्राइस रखा है आपने, और ये प्राइस नेगोशिएबल भी है। और ये ज्यादा नहीं चला हुआ, ये 32,000 चला हुआ है। सिर्फ 32,000 किलोमीटर चला हुआ सुपर स्प्लेंडर। अगर किसी को चाहिए हो तो नीचे नंबर आ रहा होगा अभी स्क्रीन पर, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डिटेल्स मिल जाएगा, आप जरूर कॉन्टेक्ट कर लेना। उसके बाद आता है एक और Ntorq की तरफ। तो भैया इसके बारे में बताओ। ये है Ntorq 2020 का, ये है रेस एडिशन का।
ये रेसिंग एडिशन का है, टीवीएस इंटर 125 2020 का मॉडल है, कितना किलोमीटर चला है? ये चला हुआ है 21,000 किलोमीटर। 21,000 किलोमीटर चला हुआ है 2020 का मॉडल है। प्राइस क्या रखा है? 65,000 प्राइस रखा है। ये प्राइस नेगोशिएबल है और ये फास्ट ओनर है जी, ये भी फास्ट ओनर है। एक और स्कूटी है होंडा की एक्टिवा, एक्टिवा 5G है ये, और इसका क्या डिटेल्स है? ये होंडा का एक्टिवा 5G, ये भी 2018 मॉडल का है। अच्छा, ये भी 21,000 चला हुआ है, 21,000 किलोमीटर चला हुआ मॉडल है, एक्टिवा 5G है। टायर कंडीशन दिखाओ, इस तरफ आ जाइए टायर कंडीशन दिखाओ भाई। टायर दोनों नया है, ब्रांड न्यू टायर है। और कितना प्राइस रखा है आपने? इसका प्राइस भी 46,000 होंडा एक्टिवा 5G, फर्स्ट ओनर ही है। फर्स्ट ओनर यहाँ पे ज्यादातर फर्स्ट ओनर ही है, लेकिन वो वर्जन 3 सेकंड ओनर है। और इस तरफ आ जाओ भाई, एक और होंडा एविएटर। ये होंडा एविएटर 2014 का है, मॉडल का है। अच्छा, 2014 का है। हाँ। ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी है। अच्छा, यही हमारे ये लंका रोड के आदमी का है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। ये कितना किलोमीटर चला? 38,000 किलोमीटर चला हुआ है। 38,000 किलोमीटर चला हुआ है। इसका प्राइस रखा है 30,000। 30,000 प्राइस रखा है 2014 का होंडा एविएटर। उसके बाद आता है जिनको 350 क्लासिक की तलाश है, उनके लिए दो दो ऑप्शन अवेलेबल है। पहले हमने दिखा दिया एक, और उसके बाद एक और 350 क्लासिक यहाँ पे, उसका क्या डिटेल्स है भैया? ये बुलेट 350 क्लासिक है, ये मैरून कलर का, वो ब्लैक था, ये मैरून कलर का है। ये है अक्टूबर 2015 का, ये भी फर्स्ट ओनर है। ये सिलीगुड़ी नंबर है। अच्छा, ये सिलीगुड़ी नंबर है, इसका ओनर दार्जिलिंग का है, फर्स्ट ओनर है ये। इसका प्राइस रखा है 95,000 आपने प्राइस रखा। और किलोमीटर कितना चला है? ये गाड़ी चला हुआ है 63,000 किलोमीटर। मीटर दिखा दो एक बार, 63,000 किलोमीटर चला हुआ है, 63,000 के आसपास दिखा दो मीटर। हाँ बिल्कुल सही। और बाइक की कंडीशन भी दिखा दो एक बार साइड से, और टायर कंडीशन भी एक बार दिखा दो। ये फुल्ली लोडेड है, इसमें दोनों टायर दिखाइए, दोनों टायर। हाँ, ऑफ रोडिंग टायर लगाया हुआ, नया नया, दोनों नया एकदम ऑफरोडिंग टायर। प्राइस रखा है आपने 95,000। और दोनों ये एलो व्हील है, ये एल्युमिनियम एलो व्हील है, और इस व्हील भी यूनिक है, मतलब यूनिक जो है। लेगा वो शाम से चलेगा भाई जी। और इसका जो साइलेंसर है, ये भी डॉल्फिन का साइलेंसर है, डॉल्फिन इसका भी 4,000 जैसे इसका दाम है। डॉल्फिन का साइलेंसर भी इसमें लगा है आफ्टर मार्केट। ये आखिर में इसका एग्जॉस्ट नोट आप लोगों को जरूर सुनाएंगे एक बार, लेकिन उसके पहले बाइक सारे क्लियर कर देते हैं। उसके बाद बजाज की प्लाटिना, प्लाटिना ये बजाज का प्लाटिना अगस्त 2015 का है भाई। नजदीक से दिखाओ आप आगे, हम लोग पीछे आ जाते हैं भाई, आप आगे नजदीक से दिखाओ। ये बजाज का प्लाटिना 100, ये अगस्त 2015 का है। ये गाड़ी भी मिंट कंडीशन में है, ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है। अच्छा। इसका प्राइस 38,000 रखा हुआ है। 38,000 में बजाज प्लाटिना आपका 2015 का मॉडल है, और 38,000 भी नेगोशिएबल है। उसके बाद होंडा की ग्राजिया, ये होंडा की ग्राजिया, ये अक्टूबर 2020 का। अच्छा, ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है, अक्टूबर 2020 का है। इसके ये 7,000 किलोमीटर चला हुआ है। 7,000 किलोमीटर चला हुआ, फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। प्लाटिना भी फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर है। अच्छा, और इसका प्राइस रखा हुआ है 35,000। 35,000 प्राइस रखा है भैया ने। और आज की आखिरी जो है वो है होंडा की एक और एक्टिवा। एक्टिवा ये है होंडा का एक्टिवा 5G। अच्छा, पहले आप लोग को ब्लू कलर का दिखाए थे, अभी व्हाइट कलर का है 5G। ये कितना किलोमीटर चला है? ये भी 27,000 किलोमीटर चला हुआ है। 27,000 किलोमीटर चला है। ये 2018 का है, ये गाड़ी 2018 मॉडल का है। और टायर दोनों देखिए, दोनों टायर नया है। टायर कंडीशन दिखाओ भाई ठीक से, बॉडी भी दिखाओ। ये गाड़ी का भी प्राइस 46,000 रखा है। 46,000 रखा है प्राइस, नेगोशिएबल प्राइस है, और फास्ट ओनर गाड़ी है। तो अभी जो हमने बताया कि वो 350 का एग्जॉस्ट सुनाएंगे, वो सुनाते हैं आपको एक बार। हमने जो बोला कि एनविल 350 क्लासिक का आपको एग्जॉस्ट नोट एक बार सुनाएंगे, तो ये है 350 क्लासिक, और इसमें लगा है डॉल्फिन का एग्जॉस्ट। तो एक बार सुना दो भैया। ये स्टॉक यही तक है, लेकिन बहुत ही जल्द बहुत सारे नए स्टॉक के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। योनजन मोटर्स पे जो है लोंगापारा रोड में, जो पेनवुड एकेडमी है उसी के बगल में है योनजन मोटर्स, आप लोग जरूर आ जाइए। और यहाँ पे रीफाइनेंस भी अवेलेबल है, अभी सिर्फ अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ये लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द बाहर के डिस्ट्रिक्ट में भी ये लोग रीफाइनेंस अवेलेबल कर देंगे।
अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट के बारे में किसी भी तरह की इंक्वायरी करना हो तो नीचे आए नंबर से आप इन लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, चेक लेना। और बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।